प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए जीता हूँ और जब वो धरती पे आई तब मैं आज जो भी कुछ भी अपने पब्लिक का प्यार आशीर्वाद के वजह से और अपनी बेटी की तकदीर की वजह से, क्योंकि जब तक वो नहीं धरती पे थी तब तक मैं भैंस चरा रहा था और लीली चौका बेच रहा था। उसके आने के बाद एक नया शुरुआत हुई मेरे जीवन की, तो मेरे लिए मेरी बेटी एक भगवान की तरह है जिसको मैं बड़ा पूछता हूँ और जब भी बर्थडे मनाता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। लगता है कि एक दिन ये भी समय आएगा कि या कि इसके लिए और करना पड़ेगा जिस दिन हमें छोड़ दिया। बेटे में इमोशनल नहीं होता हूँ, लेकिन इसके में थोड़ा सा लगता है कि एक जगह और होगा मेरे जीवन का जो कि बड़ा खुशी भी होगा और दुख भी होगा कि वो उस दिन मेरे जीवित से हो जाएगी, लेकिन बस उसी खुशी में रहता हूँ कि मेरी अपनी बेटी की लंबी उम्र और जो वो सोचती है बस ईश्वर उसको पूरा करे। मैं एक पिता होने के नाते उसके भविष्य के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, लेकिन मेरी सोच से कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरी बेटी क्या सोचती है वो अपने आप के लिए। उसके जन्म में मैं नहीं था, जब वो पैदा हुई थी तो मैं घर पर नहीं था, मैं दिल्ली में था, लेकिन उसके जन्म के बाद ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई और मेरा कैसे हिट हुआ, बहुत बड़ा हिट हुआ। मैं उसके बाद लगातार उसके किस्मत से उसके भाग्य से जान मेरे जीवन में अनमोल रतन है, अगर कोई है तो मेरी पब्लिक है, मेरी ऑडियंस के बाद मेरे माता पिता के बाद। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो इसको जान से बहुत। मेरा ख्वाब है कि बस जिस तरह मैंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे ही पथ में मेरी बेटियाँ चले। और मैंने जितना अपने मम्मी पापा का नाम उजागर किया, अपने गांव जवार, अपने जिला, अपने भाषा का नाम उजागर किया, उसी हिसाब से मेरी बेटी भी कुछ ऐसा कर जाए जिससे इसके नाम से दुनिया मुझे जाने। बस यही ख्वाहिश है। प्लैनेट भोजपुरी।